अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। लिहाजा मैदानों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को पानी में भीगने से बचाने के लिए आयोजकों ने तरीका इजाद किया है। रावण दहन से पहले पुतले पानी में ना भीगे, इसके लिए आयोजकों ने पुतलों को पॉलीथिन से कवर कर दिया है। जबलपुर के रांझी में दशहरा मनाया जा रहा है, पर बारिश के बादल भी मंडरा रहे हैं। इसके लिए आयोजकों ने रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को पॉलीथिन से कवर किया है। उपनगरीय क्षेत्र रांझी में सनातन धर्म सभा के तत्वाधान में बीते 30 सालों से रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है। इस मर्तबा भी 40 फुट के रावण और कुंभकर्ण बनाए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में दशहरा के दौरान रावण, कुंभकर्ण के पुतलों को पॉलीथिन से ढक दिया गया है। सुबह से बादल छाए हुए हैं, ऐसे में कभी भी अचानक बारिश हो सकती है और पुतले पानी में भीग सकते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को जबलपुर के ग्वारी घाट में संपन्न हुए पंजाबी हिंदू एजुकेशन के दशहरा में अचानक हुई बारिश के चलते रावण और कुंभकर्ण के पुतले पानी में भीग गए थे। इसके बाद आयोजकों को कड़ी मशक्कत करना पड़ा रावण दहन करने में। यही वजह है कि बारिश में मंगलवार जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए आयोजकों ने पॉलीथिन से रावण कुंभकर्ण को कवर किया है। विगत दो दिनों से मौसम को देखते हुए बारिश चालू हो गई थी और कहीं ना कहीं आयोजन हमको सफल करना था, तो इस बार हमने रावण के और पुतलों को रेनकोट पहना दिया।